कानपुर देहात में जो कांड हुआ है आप सबको पता भी है और लगातार आप लोग देख भी रहे होंगे किस तरह से एक माँ बेटी को पुलिस प्रशासन की बर्बरता की वजह से बुलडोजर चला दिया गया उनके घर पे और वो आग लग गई और माँ बेटी जो है जिंदा जल गई। तो उस कांड पे मैंने एक गीत लिखा यूपी में कावा सीजन 2 करके। उस गीत से कानपुर देहात पुलिस जो है काफ़ी जो है वो आ गई मेरे घर पे एक नोटिस लेकर के। सबसे पहले अंबेडकर नगर जहाँ पे मेरा ससुराल है वहाँ मेरे ससुर जी को थमा दिया। वहाँ से बात नहीं बनी तो पूरी जीप भर के दिल्ली पहुँचाए। कल रात 8 बजे फिर से मुझे नोटिस दे दिया कि रिसीव करो। अब झूठ बोल के हिमांशु को फ़ोन करके मेरे हस्बैंड को फ़ोन करके कि मैं UPSC स्टूडेंट बोल रही हूँ, मुझे आपसे कुछ गाइडेंस लेनी है, इस तरह से जैसे क्रिमिनल को नहीं पकड़ने के लिए इस तरह से जाल बिछाया जाता है उस तरह से किया। फिर बाद में कहते नहीं हम कानपुर देहात से बोल रहे हैं, आप आइए और रिसीव करिए। तो इस तरह का आडंबर फैला करके वो नोटिस भेजा और ये सारी चीज़ें। नोटिस में क्या लिखा हुआ है? नोटिस में बहुत ही ट्रिकी तरीके से सवाल ऐसे पूछे गए हैं कि आपको फंसाने की पूरी कोशिश की गई है। आपने ये गाना गाया है या नहीं, आपने ये किया है या नहीं, आपके सोशल मीडिया हैंडल से अपलोड किया गया है या नहीं, ऐसे करके। तो नोटिस का जवाब मैं बिना वकील से बात किए मैं नहीं देने वाली हूँ। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। आपके जो कहने वाले कंट्रोवर्सी जो चाहे वो बिहार जो बिहार के लिए था, उसके बाद विश्वविद्यालय के लिए था, उसमें भी कहीं ना कहीं कॉन्ट्रोवर्सी। क्या लगता है कि मतलब जो गीत हैं वो कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं? पुलिस की तरफ से जो नोटिस दिया गया पहले कभी नहीं दिया गया, तो क्या नहीं पहले भी मुझे इस तरह से एक दो बार और अलग गीतों पे दूसरे गीतों पे नोटिस भेजा गया, पर इस तरह से पुलिस का लद के मेरे घर पे चले आना, जुम्मा 8 महीने हुए मेरे शादी को, इतनी बड़ी बात होती है हमारे यहाँ बिहार में? दिल्ली में इतनी बड़ी बात नहीं होती होगी, लेकिन हमारे यहाँ मेरी मम्मी डर जाती है कि आइल रहे बच्चिया पुलिस दरोगा का कर आइल रहे, है ना, उनको लगता बहुत ऐसी हो गई है। अब मेरे ससुर जी वहाँ अकेले रहते हैं, मुझे पूरा पता है कि बहुत परेशान है और वो ऐसे कहते नहीं है, तो वो भी एक कह रहे थे कि बेटा परेशान नहीं होना, क्या हो गया, ये सारी चीज़ें। और इस तरह से मैंने कौन सा बड़ा क्राइम कर दिया है यार कि आप लोग एकदम से पहुँच जा रहे हो लद करके कि हाँ भैया हम आ गए हैं फलाने जी को पकड़ने, है ना। तो ये लोग डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक तरह से दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। एक्चुअली इनको पसंद है कि सत्ता का गुणगान करे कोई तो भैया हाँ जी हाँ जी, और मेरी तरह कोई लोक गायिका अगर सरकार से सवाल पूछ दे तो उसके घर में नोटिस भेज देते हैं। क्या सवाल गाने के जरिए क्या क्या गीत क्या था वो? हाँ मैं गीत सुनाती हूँ ना, आप सुनिए और आप खुद बताइएगा, मेरे दर्शक भी बताएंगे कि नेहा से कहाँ गलती हुई है जो कि किसी को नोटिस भेजने की जरूरत पड़ रही है। अरे बाबा के दर बार बार ढहत घर बार बार क्रिएट कर रहे हैं, पुलिस की तरफ से नोटिस दिया गया पहले कभी नहीं दिया गया, तो क्या नहीं पहले भी मुझे इस तरह से एक दो बार और अलग गीतों पे दूसरे गीतों पे नोटिस भेजा गया, पर इस तरह से पुलिस का लद के मेरे घर पे चले आना, जुम्मा 8 महीने हुए मेरे शादी को, इतनी बड़ी बात होती है हमारे यहाँ बिहार में? दिल्ली में इतनी बड़ी बात नहीं होती होगी, लेकिन हमारे यहाँ मेरी मम्मी डर जाती है कि आइल रहे बच्चिया पुलिस दरोगा का कर आइल रहे, है ना, उनको लगता बहुत ऐसी हो गई है। अब मेरे ससुर जी वहाँ अकेले रहते हैं, मुझे पूरा पता है कि बहुत परेशान है और वो ऐसे कहते नहीं है, तो वो भी एक कह रहे थे कि बेटा परेशान नहीं होना, क्या हो गया, ये सारी चीज़ें। और इस तरह से मैंने कौन सा बड़ा क्राइम कर दिया है यार कि आप लोग एकदम से पहुंच जा रहे हो लद करके कि हाँ भैया हम आ गए हैं फलाने जी को पकड़ने, है ना। टफकॉन XT600 HCR TMT रिबा, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ, घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ टफकॉन XT के साथ।